डीसी के अंदर स्विचिंग देखेंगे। डीसी तो दिख रहा है सबको, तो यहाँ मैं स्विचिंग कर दे रहा हूँ। तो आया कितना ये 140 में आगे क्या हो गया, ये स्टकअप हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको सिस्टम को कनेक्ट करके देखेंगे। कुछ बता रहा क्या, जरा इसको कनेक्शन दे रहा भाई। कुछ बन रहा क्या, कुछ पोर्ट गेट ऑटो ले रहा क्या दोस्तों भी? ठीक है, कुछ कनेक्ट हो रहा है? नहीं सर, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है आगे आ जाए। अभी थोड़ा बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या बना दिया, सीधा पोर्ट बना दिया यहाँ। ठीक है, निकाल दे रहा हूँ पोर्ट अपना, फट गया। तो एसी स्टैंड है सर, यहाँ देखेंगे इसके अंदर भी क्या रहता, ड्यूअल सीपीयू रहता। ठीक है, तो सीपीयू है ऊपर क्या बैठा हुआ है, रैम बैठा हुआ है। तो सिर्फ रैम को इसको लिफ्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, जैसा इसका क्या कर दिया अपन, रैम उतार दिए। रैम उतारने के बाद यहाँ चेक करेंगे इसका डीसी का, स्विचिंग ले लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कितना आगे स्टकअप हो रहा है, सेम 140 के अंदर पहले जितना था उसके अंदर आके स्टकअप हो गया। ठीक है, तो अभी इसको सिस्टम को कनेक्ट करके पोर्ट बन रहा या नहीं चेक करेंगे, डीसी कनेक्टिविटी हो रहा या नहीं हो रहा। Bye.
एक मिनट साइलेंट रहना हमें, ठीक है। तो अभी अपन इसको क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और यहाँ देखेंगे इसको मैं बॉडी के अंदर लगा रहा हूँ। ठीक है, ऑन हो गया अपना फोन, दिख रहा है ये। ठीक है, ओके, अपना फोन तो ऑन हो गया। ठीक है, एक बार पूरा लगा के रख देंगे। समझ में आया? तो ये चीज बताओ भाई, जिस अपन क्या करें, डीसी का स्विचिंग चेक करें, ठीक है, ना मीटर पकड़े रहे ना कुछ करे, सीधा अटैक करें, ठीक है, सीधा अटैक करें, कोई चीज चेक नहीं कर। तो इससे फॉल्ट है, ये चीज से फॉल्ट है, कैसा समझ में आ रहा है ये चीज़? इजी लग रहा है। तो जैसा मैं डीसी का क्लास बताऊंगा, जब और उस स्विचिंग के बारे में जो क्या क्या चीज से कैसा कैसा कहाँ कहाँ चेक करना है, ठीक है, कैसा कहाँ जाके चेक करना है, कौन सा लाइन चेक करना है, क्या चीज चेक करना है, कौन सा इसी का फॉल्ट है, ठीक है, ये सारा चीज आपका 10th क्लास में आएगा, तो उसके अंदर बताऊंगा। अभी जयेश अभी जो पूछ रहे थे सर ये बताएंगे तो बुलाए, तो इसलिए क्या कर दिए ये एक साथ ही साथ जो है जो रैम की जो रहता है आपको प्लेन वाला रैम।